बाबा साहब के रास्ते पर चलने का दावा करने वाली कांग्रेस एक बार फिर बाबा के ही दरबार में पहुंच चुकी है। हम बात कर रहे हैं 2022 के चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस ने 2 अक्टूबर का दिन चुना है। ये दिन चुना है कि अब यहाँ के बड़े नेता हैं दलितों के घर रात विश्राम करेंगे, उनके मुद्दों को समझेंगे, दलितों की जो समस्याएं हैं उनको समझेंगे। ऐसे ही एक दलित के घर पर पहुंचे हैं सूर्यकांत धस्माना है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने भी बाबा साहब को माल्यार्पण किया। जाइए आइए जानते हैं कि आज के दिन का मकसद क्या है। सर, ये जो हमारी यात्रा है उस यात्रा का एक पड़ाव है। हम आज अपने एक अनुसूचित जाति के भाई के यहाँ रात्रि प्रवास कर रहा हूँ, और रात्रि प्रवास करने का मतलब ये नहीं है कोई दिखावा है। हम तो हमेशा बापू का तो ये सिद्धांत था कि जो अनुसूचित जाति के गरीब लोगों की बस्तियों में रहेगा वही सक्रिय सदस्य कांग्रेस का होगा। ये कांग्रेस के सदस्य बनने की पहली शर्त थी, हम उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। हम आज चर्चा करेंगे अपने तमाम बूथ के साथियों के साथ भी, पार्टी के साथियों के साथ भी, इन तमाम मुद्दों पर जो राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे हैं, जो हमारे प्रांतीय स्तर पर मुद्दे हैं, जो राज्य के मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करके कैसे इस देश की उस विरासत को अक्षुण रखें जो विरासत हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी, जो विरासत हमें बापू ने दी, जो जवाहरलाल नेहरू ने दी, जो हमें विरासत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लाल बहादुर शास्त्री ने दी, हमारे पुरखों ने जो हमें विरासत दी है उसको हम कैसे संजो के रखें, उस विरासत को आगे बढ़ाना। सर, आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए, उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा कि T20 के विस्फोटक बल्लेबाज हैं, ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं, 2022 में फिर से आप सामने आएंगे। ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज से कांग्रेस कैसे जीतेगी, इस अंधेरी रात में कांग्रेस का उजाला कैसे होगा? ये बल्लेबाज कितनी भी बल्लेबाजी कर ले, लेकिन इनका स्कोर इतना डाउन है कि जो जनता की अपेक्षाओं का स्कोर है, जो 2017 में बड़े बड़े वादे इस प्रदेश की जनता से किए गए थे, 6 गुना बेरोजगारी बढ़ गई 5 सालों में, उससे कैसे पार पाएंगे? ये कितनी भी बल्लेबाजी कर लें, कितनी भी जुमलेबाजी कर लें, कितना भी लोगों को दिखावा और बहकावा वाली बातें कर लें, लेकिन जनता समझ चुकी है इनकी असलियत को, और जब जनता असलियत को समझ चुकी है तो आप ये तय मानिए कि कितना भी बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेंगे, जनता इनकी विदाई का मन बना चुकी है। आप लोगों ने धस्माना जी की बातें सुनी, क्या स्वागत कर रही हैं आप लोग, आपके बीच में आए वो साथ हैं, और जितने हम बस्ती मोहल्ले के जितने लोग हैं आपको, ये जब दुख सुख में बंदे बिना जीते हुए पार्टी को इतना साथ दे रहे हैं, जितने के पास सोचिए ये क्या करेंगे। हम लोग को दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं और साथ देते हैं, रात बिरात जिस टाइम हो उस टाइम हमारे साथ खड़े रहते हैं, हम लोग इनको साथ हैं। इन सब चीजों को किस नजरिए से देखते हैं, क्या क्या होना क्या चाहिए आप लोगों के लिए? क्या सिर्फ इसी तरह से एक दिन का शो होना चाहिए, या कि वाकई आप लोग की समस्या है सरकार को सुननी चाहिए? नहीं, हमारी सरकार जो बीजेपी की सरकार है वो तो कुछ नहीं करती है। हमारे जो इधर खाले में हमारा पड़ोस में सिवर लाइन का पूरा सिवर लाइन का पानी रोड पे आता है, घर घर के आता है, तो हमारे सर ही कर सकते हैं वो काम, और कोई नहीं कर सकता है, बीजेपी का नहीं कर सकते है। जो पार्षद है वो हम 50 बार फोन कर देते हैं, कोई विधायक भी नहीं आता है, पार्षद नहीं आता है, लेकिन जो हमारा चेंज कर सकते हैं, हमारा खाले को जो खाला है इसको चेंज करने हैं हमने खाले को, वो हमारी सरकार सकती है। सूर्यकांत धस्माना हमारे संग अवधेश जी हैं, जो पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपके घर पे आज धस्माना जी रहेंगे, किस तरह के स्वागत की तैयारी है? आज की मेरी तैयारी है कि आज हमारे घर जो है श्री सूर्यकांत धस्माना जी हमारे मेहमान बनकर आए हैं, और ये हमारा बहुत सौभाग्य है, और हम लोगों ने जो है घर में जो है हम जो हमारी क्षेत्र की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं हम उनको एक तो सम्मानित करेंगे, और जो है उनको हम भोजन की व्यवस्था की गई है पूरी, और जो है हमारे यहाँ धस्माना जी पूरी प्रवास करेंगे, रात में रुकेंगे। जो पक्ष के विधायक हैं सरकार उनकी है, वो कितना आते हैं? वो तो आते ही नहीं है, वो तो कभी नहीं आते। जो हरवंश कपूर जी हैं उनको तो मैंने अपनी गली में कभी देखा ही नहीं। आप कुछ कर रही हैं हरवंश कपूर जी के बारे में, क्या कर रही हैं आप? मैं इसलिए कह रही हूँ कि इतना शास्त्री नगर है ये, और शास्त्री नगर में इतना बारिश आया, पानी आया, घरों में इतना गंदा पानी गया, सीवर जगह जगह खुली हुई है, और साइकिल वाले आ रहे हैं, गाड़ी वाले आ रहे हैं, सब नीचे गिर रहे हैं, हमारे सामने दो दो तीन तीन को गाड़ियाँ बच्चे गिरे, हमने खुद संभाला है इस चीज़ों का, तो हम चाहते हैं विधायक जी नहीं आए, पार्षद नहीं आई, वो आई जब आई कि धूप निकल गया, तब आए जब हम इतने गंदे में थे तो वो नहीं आए कि गंदा पानी आ रहा, तो ये गंदा पानी साफ कौन कराएगा, ये नाला है, ये नाला ढकेगा कौन? अच्छा, आपने कभी अपने विधायक को देखा है? नहीं, आपने अपने विधायक को कभी देखा? नहीं, कभी नहीं देखा, हम पहचानते भी नहीं।
कौन है विधायक? नाम सुना, हरबंस कपूर नाम के आदमी है, नाम पहचानते नहीं। पहचानते ही नहीं? कभी तो आप फिर आ गया है, बस वो चुनाव में एक आध बार आएंगे तो आएंगे, नहीं तो इस बार कैसा बदला लेंगे? अब वोट डाल के उनसे बदला लिया जाएगा, जनता बदला लेगी। शहीद अमर रहे,